हाय हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल जय जगन्नाथ फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जितने भी मॉम्स ये वीडियो देख रहे हैं शायद वो मेरे साथ एग्री करेंगे कि जितने भी हम माएँ हैं हमारी सबसे बड़ी टेंशन यही है कि हम बच्चों को क्या खिलाएं, क्योंकि 6 मंथ्स तक तो बच्चा दूध ही पीता है। टेंशन तो उसके बाद शुरू होती है कि क्या खिलाएं बच्चों को। फिर हम क्या करते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं उनको पूछते हैं, फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। फिर हम क्या करते हैं, फिर डॉक्टर को पूछते हैं। फिर डॉक्टर साहब बताते हैं कि 6 मंथ्स के बाद बच्चों को दाल पानी पिलाया करो और उसके और दलिया खिचड़ी और सेलक्स भी आप खिला सकते हो। सो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो पे यही 3 रेसिपी ही आपके साथ शेयर किया है जो कि बनाना बहुत ही आसान है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना और मॉम्स के साथ इसको शेयर कर देना, और आने वाली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हाई प्रोटीन वाली हेल्दी फूड रेसिपी में शेयर करने वाले हूँ जो कि आफ्टर 6 मंथ्स के बाद आप बेबीज़ को दे सकते हैं। फर्स्ट रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी। तो चलिए बनाना इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चावल लिया है और पीली वाली मूंग दाल लिया है, और यहाँ मैं पानी डाल के थोड़ी देर भिगा के रख दूँगी। मैंने यहाँ पर फूलगोभी, कद्दू, कच्चा पपीता, गाजर, टमाटर, आलू, बीन्स, बीटरूट, मटर, इन सारे सब्जियों को मैंने अच्छे से काट के धो के रख लिया है। अब मैंने यहाँ पे गैस को कर लिया है ऑन, रख लिया है कुकर, और कुकर गर्म होने के बाद इसमें डालूँगी देसी घी। फिर जाएगा इसमें जीरा, हींग और जितने भी हमने वेजिटेबल्स काट रखे थे इसमें सारे डाल देने हैं, और इसको ढक के थोड़ी देर के लिए हम पका लेंगे। यहाँ पे हमारी सब्जी थोड़ी पक गई है। अब इसमें हम डालेंगे भिगो के रखा हुआ चावल और मूंग दाल। इसमें हल्दी और नमक ऑप्शनल है। अगर आपके बेबी 1 ईयर से ज़्यादा है तो आप यहाँ पे नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। और अब डालेंगे हम पानी और इसको कवर कर लेंगे। कुकर में 5 या 6 सीटी आने के बाद इसको बंद कर दें। ठंडा होने के बाद इसको खोलें। अब आपके सामने बिल्कुल टेस्टी और लाजवाब सा खिचड़ी बनके तैयार है। ये खिचड़ी सिर्फ बच्चे ही नहीं, घर के बड़े छोटे सब खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। अब अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा गाढ़ा भी कर सकते हैं, बट मैंने अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा पतला ही रखा। मैं हमेशा इसको मैश कर लेती हूँ और फिर अपने बेबी को खिलाती हूँ। मैं ये खिचड़ी अपने बेबी को 6 महीने के बाद से ही खिला रही हूँ और उसको ये बहुत ही अच्छा लगता है। फेवरेट डिश बन गया है उसका। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपने बेबी को ज़रूर खिलाएं। सेकेंड रेसिपी है होममेड सेरलक। हमें यहाँ पे गैस को ऑन करके पैन को कर लेना है गरम, और यहाँ पे हम काजू और बादाम को करेंगे ड्राई रोस्ट। इसको आप लो फ्लेम या मीडियम फ्लेम में ही इसको ड्राई रोस्ट करना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मखाना, इसको भी हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें पोहा, इसको चूड़ा भी बोलते हैं, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फिर इसमें जाएगा चना दाल, दलिया और साबूदाना, इसको भी हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये आराम से पीस जाए। फिर ऐड करेंगे ओट्स, इसको भी हम थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके निकाल। इन सबको मिला के हम अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल फाइन पाउडर बन के तैयार हो जाए, बिल्कुल इस तरह, इसमें जैसे कोई दाने वाले चीज़ ना बचे बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ अमूल पाउडर, ये ऑप्शनल है, मैं टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करके किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। जब हमें बेबी के लिए सेरलक बनाना हो पहले क्या करेंगे, पानी को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, फिर इस पाउडर को डाल देंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुंठली ना बन जाए। मैं यहाँ पे पका हुआ बनाना को मैश करके डाल रही हूँ ताकि इसका टेस्ट और बढ़ जाए। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें तो डालें या तो नहीं डालें। आप इसमें खजूर भी डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। अब आपका बनकर तैयार हो गया है
हेल्दी होममेड सेरेलक। इसको आप ठंडा कर दीजिए और बच्चों को खिलाइए। हो सकता है बच्चों को पहली बार में पसंद ना आए टेस्ट इसका, या फिर हम ये सोचे कि बच्चा नहीं खा रहा है तो शायद इसको टेस्ट इसका अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा नहीं होता है, ये बहुत ही टेस्टी बनता है। बट हो सकता है बच्चों को भूख ना हो, इसलिए हमें थोड़ी देर के बाद फिर ट्राई करना चाहिए और बच्चों को फिर खिलाना चाहिए। पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या करा था, बाज़ार में जो मिल रहा है नेस्ले का सेरेलक वहीं खिला दी थी मैं। बट न्यूज़ में जब से आया कि ये अच्छा नहीं है बेबी के हेल्थ के लिए, तब से मैं घर पे ही बनाने लगी और मेरी शोना अच्छे से खा रही है इसको, अच्छा लगता है उसका टेस्ट। अब हमारा थर्ड रेसिपी है दलिया। अब हम बनाने वाले हैं नमकीन दलिया। मार्केट में इजीली दलिया के पैकेट मिल जाता है, मैंने वही लिया है। तो मैंने क्या करा, एक बाउल में लिया है थोड़ा सा दलिया और यहाँ पे लिया है मैंने हरी मूंग दाल। इसको हम थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। एक या दो घंटे के बाद इसको अच्छे से साफ करके धो के अलग से रख लेंगे। अब हम गैस ऑन करके कुकर को रख देंगे। अब डालेंगे इसमें देसी घी, जो कि मैंने घर पर बनाया हुआ है वही यूज़ करा है मैंने। फिर डालेंगे थोड़ा सा हींग, इसको गर्म होने दे थोड़ा सा। फिर डालेंगे हमने जो पहले भिगो के रखा था दलिया और मूंग दाल, इसको करेंगे मिक्स। और फिर डालेंगे हल्दी, ये ऑप्शनल है, और नमक। अगर आपका बेबी 1 ईयर से ज़्यादा है तो आप इसमें नमक डाल सकते हैं, आपके स्वादानुसार आप नमक डालें और थोड़ा सा पानी डालें। अब आपको क्या करना है, कुकर को कर लेना है बंद, इसको कवर करके 5 या 6 सीटी आने देंगे। कुकर को थोड़ी देर ठंडा होने दें, फिर इसको निकाल के देखें, आपका दलिया बिल्कुल रेडी है। देखने में बिल्कुल टेस्टी लग रहा है ना, और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही लाजवाब बनता है ये। खाली बच्चे ही नहीं, घर के बड़े बुजुर्ग भी इसको आराम से खा सकते हैं।